हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का एक बुक के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये जो बुक है, ये आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या ट्रिपल ई डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता है कि ये जो तीन चार डिपार्टमेंट के नाम मैंने बोला, इसमें डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये थोड़ा मैथमेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से बिल्डअप करना चाहिए, ताकि आपको जाके आप बाद में अगर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे या कोई भी आप जो एडवांस पेपर पढ़ेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। तो इसके लिए बहुत सारा बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे एलन ओफेनम है, प्रोकिस है। तो इसमें मेरा अगर पर्सनल चॉइस बोलेंगे तो नागुर कानी का जो बुक है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट लोगों के लिए वो बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है। आप अगर गेट का एग्ज़ाम देंगे तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। एंड इसका जो प्रेजेंटेशन है, मैं जो पहले ही बोला, वो बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत सारा मैटलैब प्रोग्राम भी दिया गया है। तो ये बुक के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या है। मैं कुछ बुक के कुछ पेज को स्कैन करके दिया है, यानी इसमें जो भी कंटेंट है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि इस बुक में कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा टॉपिक कवर किया गया है। तो ये जो राइटर है आपको दिखाई दे रहा है कि ये नागुर कानी का बुक है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ये एक्चुअली मैग्रो हिल पब्लिकेशन का है। ये मेरे पास जो सेकेंड एडिशन का कॉपी है, एक सैम्पल कॉपी मिला था। तो इसमें आप देख सकते हो मोर देन 1500 सॉल्व एग्जांपल एंड एक्सरसाइज का प्रॉब्लम दिया हुआ है, एंड मोर देन 50 मैटलैब प्रोग्राम दिया हुआ है। जो आप जो आपको जो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है लैब में, सिग्नल प्रोसेसिंग के लैब में, तो ये जो डिफरेंट तरह का प्रोग्राम ये लोग पहले से ही दे रखा है, तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो मैटलैब में। तो ये बुक के बारे में थोड़ा चीज़ दिया हुआ है, सॉल्व एग्जाम्पल कितना है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर है, एक्सरसाइज प्रॉब्लम कितना है, और डिटेल में बोला गया है। तो ये देख सकते हो मैग्रो हिल का है, एंड ये बुक का जो नॉर्मल गेटअप है। तो ये मुझे सैंपल कॉपी मिला था टाटा मैग्रो हिल से। तो चलिए इसके कंटेंट में क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है। तो इसमें आपको जस्ट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग क्या है ये सब चीज़ के बारे में बोला गया है। फिर डिफरेंट तरह का जो सिग्नल को कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, फिर आपका डिफरेंट फिल्टर, मल्टीरेट डीएसपी, जो बेसिक चीज़ है डीएसपी का, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर क्या गया है और मैटलैब का इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। तो चैप्टर टू में आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड सिस्टम, जो डिफरेंट तरह का, जैसे आपको पता है जैसे सिग्नल सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्टिन्यूस सिग्नल के बारे में ही ज़्यादातर डिस्कस किया जाता है, मगर जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है इसमें डिस्क्रीट सिग्नल के बारे में है, डिस्क्रीट सिग्नल का ही प्रोसेस करते हैं। तो इधर पहले क्या किया गया है, पहले जो डिस्क्रीट सिग्नल क्या है उसके डिफरेंट तरह का डिस्क्रीट सिग्नल के बारे में एंड सिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया है चैप्टर टू में। तो इसमें आपको जैसे सैम्पलिंग रेट, सैम्पलिंग एनालाइजिंग, फिर डिफरेंट तरह को सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डिस्क्रीट सिग्नल को, एंड स्टैंडर्ड जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। फिर पीरियोडिक, एपीरियोडिक, डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, इवन ऑड सिग्नल, एनर्जी पावर सिग्नल, कॉजल नॉन कॉजल, एंटी कॉजल सिग्नल, ये सब सिग्नल का डेफिनेशन है। इसके बारे में बहुत सारा जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल भी इधर सॉल्व किया गया है डिफरेंट तरह का चैप्टर्स में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट में भी इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आता है एंड सेमिस्टर एग्जाम में भी आता है। एंड जो आपका जो बेसिक जो डीएसपी का आइडिया है एंड डीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्डअप करने के लिए आपको ये चैप्टर टू बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बाद में, ठीक है। तो ये चला गया चैप्टर टू का, ये जो
ये और भी कंटिन्यू हो रहा है डिफरेंट तरह का, जैसे लीनियर नॉन लीनियर सिस्टम, कॉजल नॉन कॉजल, स्टेबल अनस्टेबल, FIR, IIR, रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव सिस्टम, डिफरेंट तरह का जो भी सिस्टम है, जैसे फिल्टर में भी काम में आता है, फिल्टर डिजाइन में, वो सब चीज़ के बारे में इधर डिस्कस किया गया है। तो आप देख सकते हो इसमें कॉन्वोलेशन, सर्कुलर कॉन्वोलेशन, लीनियर कॉन्वोलेशन, ओवरलैप ऐड मेथड, ओवरलैप सेव मेथड, ये सब चीज़ के बारे में इधर डिस्कस किया गया है। कोरिलेशन के बारे में भी बोला गया है, इनवर्स सिस्टम के बारे में बोला गया है, उसके बाद मैटलैब प्रोग्राम दिया गया है चैप्टर के एंड में। तो चैप्टर 3 में क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म है। तो जेड ट्रांसफॉर्म क्या है, उसका ROC, ROC का प्रॉपर्टीज, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म एंड जो डिफरेंट तरह का इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का जो पार्शियल फ्रैक्शन, पावर सीरीज, ये सब जो भी रेसिड्यू मेथड है, ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। तो फिर स्टेबिलिटी, ये सब के बारे में बोला गया है। फिर सिस्टम के बारे में बोला गया है, डायरेक्ट 1, डायरेक्ट 2, कैस्केड, पैरेलल, ये सब सिस्टम के बारे में बोला गया है, FIR सिस्टम के बारे में बोला गया है। फिर मैटलैब प्रोग्राम दिया गया है, क्वेश्चन आंसर दिया गया है। फिर चैप्टर 4 में फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आप देख सकते हो, तो वो सब चीज़ के बारे में भी इधर डिटेल में बोला गया है। तो फिर आ जाता है DFT एंड FFT। तो ये जो बुक है, इसका ये बुक मैंने बहुत सारा DSP बुक से स्टूडेंट लोगों को पढ़ाया है, मगर ये जो नागरकानी का बुक है, इसमें जो FFT वाला पोर्शन है बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसका सेकेंड चैप्टर जो है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड जो FFT वाला पोर्शन है वो भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो ये FFT वाला चीज़ को आपको यही बुक से पढ़ना पड़ेगा, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा एंड इसमें बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि FFT में बहुत सारा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, मगर इधर से अगर आप FFT पढ़ेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो ये जो DFT एंड FFT है, तो Radix2 जो FFT है, इसको बहुत अच्छे से बोला गया है, एंड 8 पॉइंट DFT आप देख सकते हो, डिसिमेशन इन टाइम, डिसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ के बारे में भी बोला गया है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं पहले बोल चुका हूँ। एंड उसके बाद जैसे ये हो गया FFT वाला पोर्शन, उसके बाद मैटलैब प्रोग्राम तो हर एक चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है, एंड शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर दिया हुआ है। फिर FIR फिल्टर दिया हुआ है, तो डिफरेंट तरह का जो विंडोइंग है, हैनिंग विंडो, हैमिंग विंडो, काइजर विंडो, वो सब चीज़ के बारे में बोला गया है, डिफरेंट फिल्टर डिज़ाइन के बारे में बोला गया है। तो चैप्टर 7 में क्या है, IIR फिल्टर। ठीक है, फिर चैप्टर 8 में आप आ जाओगे तो आपको फाइनाइट वर्ड वर्ड लेंथ इफेक्ट्स इन डिजिटल फिल्टर्स, ये सब चीज़ के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो फिर चैप्टर 9 में मल्टी रेट DSP है। ये नॉर्मली मास्टर डिग्री में ये सब चीज़ ज़्यादातर होता है, ग्रेजुएशन में होता है कभी कभी, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इंक्लूड होता है, कुछ कुछ में नहीं होता है, तो आपको आपका जो सिलेबस है उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो मल्टी रेट DSP जो है वो अगर आपके सिलेबस में है तो आप इधर से देख सकते हो, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, फिर एनर्जी एंड पावर स्पेक्ट्रम एस्टिमेशन वो भी दिया हुआ है, ये भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इंक्लूडेड है, कुछ में नहीं है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ में है या आप मास्टर डिग्री कर रहे हो तो उसमें अगर होगा सिग्नल प्रोसेसिंग में, तो आप इधर से पढ़ सकते हो। फिर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर है, ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये ज़्यादातर इंक्लूड होता है, तो इसमें आप आर्किटेक्चर वगैरह ये सब दिया हुआ है कि डिजिटल सिग्नल जो प्रोसेसर है वो कंप्यूटर से भी होता है, और इसका डेडिकेटेड प्रोसेसर भी होता है, तो उसके बारे में डिटेल्स में बोला गया है इधर। ठीक है, तो फिर चैप्टर 12 है, इसका है एप्लीकेशन ऑफ DSP। तो डिफरेंट तरह का जो DSP का एप्लीकेशन है, जैसे स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच सिंथेसिस, डिजिटल रिकॉर्डर, ऐसे करके डिफरेंट तरह का जो म्यूजिक सिंथेसाइजर, ऐसे करके डिजिटल रेडियो, डिजिटल टेलीविजन, ये सब चीज़ के बारे में बोला गया है। फिर आप अपेंडिक्स देख सकते हो, दो अपेंडिक्स में क्या क्या दिया है, मैटलैब कॉमन फंक्शन, ये सब चीज़ के बारे में बोला गया है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट जो कंटेंट है, उसके बारे में मैं बोल दिया आपको। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि इसका जो गेटअप है वो कैसा है, जैसे बुक का अंदर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि इसमें जो भी चीज़ यूज़ किया गया है उसके बारे में बोला गया है, स्टार्टिंग में बेसिक जो स्टैंडर्ड है इनपुट आउटपुट सिग्नल का, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एजेंसी इम्पल्स रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो
जैसे यूएन से यूनिस्टेट सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिक जो रिप्रेजेंटेशन है जैसे ओमेगा, कैपिटल ओमेगा, स्मॉल ओमेगा, जो जैसे ये डिस्क्रीट सिग्नल के लिए होता है, कंटिन्यूअस सिग्नल के लिए होता है, वो सब चीज़ के बारे में बेसिक में बोला गया। तो आप पढ़ते पढ़ते आपको ये हैबिचुएटेड हो जाएंगे आप, नहीं तो आप स्टार्टिंग में भी देख सकते हो। तो आप चैप्टर टू में मैं एक दो पेज को स्कैन करके दे दिया हूँ, तो आपको आइडिया मिल जाएगा जैसे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड सिस्टम के बारे में, जैसे कंटिन्यूअस सिग्नल उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा लगेगा, वो सब चीज़ के बारे में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो जैसे हर एक चैप्टर के बीच बीच में बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है। तो ये बुक को अगर आप फॉलो करेंगे स्टार्टिंग टू एंडिंग, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको मतलब कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, एंड आप इजीली ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इधर जो इक्वेशन डेवलप किया गया है या बोला गया है, उसके बाद जैसे इवन आउट सिग्नल के बारे में भी बोला गया है, तो इवन आउट पार्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बोला गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो बहुत सारा प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो इधर जैसे कॉन्वोलेशन, लीनियर कॉन्वोलेशन कैसे करेंगे, वो सब मेथड के डिफरेंट तरह का मेथड के बारे में बोला गया है। एंड इधर जो एक जेड ट्रांसफॉर्म से मैंने दे दिया, जैसे कैसे हम लोग इधर डी कॉन्वोलेशन कर रहे हैं, जेड ट्रांसफॉर्म से एक दो प्रॉब्लम मैंने दे दिया वो कैसे हो रहा है वो आप देख सकते हो। तो उसके बाद जैसे चैप्टर के एंड में शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर दिया हुआ है, तो ये डिफरेंट तरह का एग्जाम में काम में आ सकते हैं, आप रिविजन भी कर सकते हो। इसके बाद ऐसे क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो जैसे मैंने मैटलैब प्रोग्राम के बारे में बोला था, हर एक चैप्टर के एंड में मैटलैब का प्रोग्राम दिया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा, ये जो बुक है इसका जो मैटलैब प्रोग्रामिंग है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम है उसका साइड में इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत अच्छा है। जैसे एक लाइन लिखा गया है तो ये स्पेसिफाई करता है इनका रेंज ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, टीचर का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा इससे आप मैटलैब का प्रोग्राम पढ़ेंगे तो रन करा लेना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है, जो आपका गेट का इसमें आएगा या कम्पिटिटिव एग्जाम या सेमिस्टर एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका प्रेजेंटेशन, ये जैसे फिल्टर डिजाइन से एक पेज दे दिया मैंने, तो ये फिल्टर डिजाइन का मैटलैब का प्रोग्राम है, ठीक है। तो फिर अपेंडिक्स में जैसे मैं बोला था कि बहुत सारा जैसे सिग्नल दिया हुआ है, उसका आर ओ सी जेड ट्रांसफॉर्म क्या क्या होगा वो सब दिया हुआ है, तो ये देख के आप उसको इजीली उसको रिवाइज कर सकते हो, एंड एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसके उससे पहले ये सब देख के जाओगे तो आपको इजीली ये रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर इस तरह का बुक का रिव्यू चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बहुत सारा मैंने बुक का रिव्यू ऑलरेडी कर रखा है, और आपको कोई अगर नया बुक का रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिए।